हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल टेक्नो पीजे में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ हाउ टू एक्टिवेट एसबीआई क्रेडिट कार्ड। जी हाँ दोस्तों, एसबीआई के क्रेडिट कार्ड को आप कैसे एक्टिवेट करें, कैसे उसका पिन जनरेट करें, इसके बारे में दोस्तों आज आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। तो दोस्तों वीडियो पूरा देखें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल टेक्नो पीजे को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और नोटिफिकेशन की बेल आइकन को भी प्रेस कर दें जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों यहाँ पर आप SBI के क्रेडिट कार्ड को दो तरह से एक्टिवेट कर सकते हैं। पहले तरीके में दोस्तों आप यहाँ पर SBI कार्ड ऐप को डाउनलोड करके वहाँ से जाकर आप SBI क्रेडिट कार्ड को एक्टिवेट कर सकते हैं। और दूसरे तरीके में दोस्तों आप यहाँ पर SBI कार्ड ऐप की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे और वहाँ पर जाकर आप इस क्रेडिट कार्ड को एक्टिवेट कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम वेबसाइट पर जाकर इस कार्ड को एक्टिवेट करेंगे। तो यहाँ पर आपको किसी भी ब्राउज़र को ओपन कर लेना है, और ब्राउज़र को ओपन करने के बाद दोस्तों आपको यहां पर सर्च करना है sbicard.com। इस वेबसाइट की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां से जाकर आप इसको ओपन कर सकते हैं। तो जैसे ही आप इस वेबसाइट को ओपन करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखाई देगा। तो दोस्तों सबसे पहले आपको यहां पर रजिस्टर नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो यहां पर दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखाई देगा। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना क्रेडिट कार्ड का नंबर आपको यहाँ पर डालना है, और यहाँ पर आपको CVV नंबर डालना है, और यहाँ पर आपको नीचे डेट ऑफ बर्थ को डाल देना है। डालने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर नीचे प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। और अब दोस्तों आपके नंबर पर यहाँ पर एक OTP को सेंड किया जाएगा, तो उस OTP को यहाँ पर आपको डाल देना है। और OTP डालने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर नीचे प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। और नेक्स्ट आपके सामने इस तरह से इंटरफेस दिखाई देगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपको अपनी यूज़र आईडी को जनरेट कर लेना है, और यहाँ पर आपको पासवर्ड को बनाना है और पासवर्ड को कंफर्म करना है। और यहाँ पर यूज़र आईडी और पासवर्ड को बनाने के बाद आपको यहाँ पर नीचे कंफर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कम्प्लीट हो चुका है। अब आपको यहाँ पर फिर से लॉगिन कर लेना है, और अब दोस्तों आपको यहां पर अपना रजिस्टर मोबाइल नंबर यहां पर आपको डालना है। और मोबाइल नंबर डालने के बाद दोस्तों आपको यहां पर नीचे प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। और अब दोस्तों आपको यहां पर अपने क्रेडिट कार्ड की पिन को यहां पर डाल देना है। तो दोस्तों बताना चाहूँगा, SBI क्रेडिट कार्ड की पिन आपको यहाँ पर आपके जीमेल अकाउंट में आपको सेंड की जाएगी। आपको यहाँ पर SBI की तरफ से एक मेल आएगा, जैसे कि यहाँ पर हमको SBI कार्ड की तरफ से एक मेल आ चुका है। इस मेल को आप ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको दोस्तों बताना चाहूँगा, कार्ड के लास्ट 4 डिजिट नंबर आपको डालना होगा, और आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ डालनी होगी, और यहाँ पर मोबाइल नंबर के लास्ट के 4 अंक आपको डालने होंगे। तो ये डिटेल आप डालेंगे तो आपको यहाँ पर आपकी SBI क्रेडिट कार्ड की पिन आपको यहाँ पर मिल जाएगी। और अब दोस्तों आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर, पिन और OTP डालने के बाद नीचे लॉगिन वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। और अब दोस्तों आपको यहाँ पर डिजिटल प्लेटफॉर्म यूसेज गाइडलाइन, आपको ये गाइडलाइन को पढ़ लेना है। और गाइडलाइन को पढ़ने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर नीचे एक ऑप्शन दिखाई देगा, आई एक्सेप्ट द टर्म एंड कंडीशन, आपको इस पर टिक करना है, और यहाँ पर नीचे प्रोसीड वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। और अब दोस्तों आपको यहाँ पर गेट स्टार्टेड वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। और अब दोस्तों आपको यहाँ पर कार्ड एक्टिवेटेड वाला ऑप्शन आपको दिखाई देगा। तो दोस्तों अब आपको यहाँ पर कार्ड को एक्टिवेट करना है, तो यहाँ पर आपको नीचे नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको दूसरा ऑप्शन मिलेगा मैनेज पिन का। तो दोस्तों यहाँ पर आपको अपनी पिन नंबर को यहाँ पर जनरेट कर लेना है कि आपको कौन सा पिन रखना है। और अब दोस्तों आपको यहाँ पर 4 अंकों की पिन को बनाने के बाद में नीचे आपको कन्फर्म विथ OTP वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। और अब दोस्तों यहाँ पर आपको अपनी OTP को डाल देना है। और अब दोस्तों आपको यहाँ पर नीचे नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। और अब दोस्तों आपको यहाँ पर अपने ट्रांजेक्शन को यहाँ पर ऑन कर लेना है कि आप यहाँ पर कौन से ट्रांजेक्शन को ऑन रखना चाहते हैं। जैसे कि यहाँ पर डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन में आप यहाँ पर ATM ट्रांजेक्शन को ऑन करना चाहते हैं तो यहाँ पर ऑन कर सकते हैं। यहाँ पर आप अपने हिसाब से ट्रांजेक्शन को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम सभी ट्रांजेक्शन को ऑन कर देते हैं। ऑन करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर नीचे नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। और यहाँ पर दोस्तों आपको आपके कार्ड की लिमिट यहाँ पर देखने को मिल जाएगी,
और यहाँ पर आपको उसकी एनुअल फीस कितनी लगती है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर दोस्तों आप अपने क्रेडिट कार्ड के जो भी फ़ायदे हैं वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर क्या क्या बेनिफिट मिलने वाला है, और यहाँ पर आप सभी चीज़ें पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों बताना चाहूँगा, यहाँ पर आपने जो यूज़र आईडी और पासवर्ड को जनरेट किया है, उस यूज़र आईडी और पासवर्ड को आप SBI कार्ड ऐप में डालेंगे और वहाँ पर आप डालने के बाद उसको लॉगिन कर सकते हैं। वहाँ से आप जाकर SBI क्रेडिट कार्ड की लिमिट कितनी है, उसका बिल पेमेंट कितना करना है, उसके क्या क्या फ़ायदे हैं वो आप यहाँ पर जान सकते हैं। तो दोस्तों कुछ इस तरह से आप यहाँ पर SBI क्रेडिट कार्ड को एक्टिवेट कर सकते हैं और उसका यहाँ पर पिन को जनरेट कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल टेक्नो पीजी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।